हेलो, मैं योगेश पवार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ राइट वैल्यू प्रॉपर्टीज में। राइट वैल्यू मेक्स यू हैप्पी। दोस्तों, राइट वैल्यू प्रॉपर्टीज अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं हम लोग। आपने देखी होंगी बहुत सारी वीडियोस, 3 BHK, 2 BHK, 4 BHK, 1 BHK या फिर इंडिपेंडेंट हाउस, हर टाइप की वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। राइट वैल्यू प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी, हर बजट की प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। आज जो वीडियो हम बनाने वाले हैं ये होने वाला है 3 BHK फ्लैट, सेमी फर्निश्ड और फुल्ली फर्निश्ड दोनों ही तरह के फ्लैट अवेलेबल हैं हमारे पास। अभी जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं ये सैम्पल फ्लैट रेडी किया है और ये भी आप देखेंगे बिल्कुल फुल्ली फर्निश्ड हमने किया हुआ है। और अगर आप सेमी फर्निश्ड लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। जब हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्राइस डालेंगे तो दोनों ही प्राइस हम मेंशन कर देंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि कितने स्क्वेयर यार्ड यानी कि कितने गज में बना हुआ ये 3 BHK फ्लैट है। तो ये आपको मिल जाता है 90 स्क्वेयर यार्ड, 90 गज ऑन पेपर। और बिल्डअप एरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपको मिल जाता है अप्रॉक्स 100 स्क्वेयर यार्ड यानी 100 गज में 3 BHK फ्लैट। लोकेशन की बात करूँ तो पी ब्लॉक मोहन गार्डन के अंदर की ये लोकेशन है। मेट्रो स्टेशन जो नियर बाई होने वाला है वो होने वाला है द्वारका मोड़। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल नियर बाई आपको मार्केट मिल जाती है, स्कूल्स मिल जाते हैं, हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं, मेट्रो स्टेशन जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, डिस्पेंसरी बिल्कुल पास में मिल जाती है, पुलिस स्टेशन बिल्कुल पास में मिल जाता है, अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो वो आपको बिल्कुल काम आएगा। और यहाँ पर आपको दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस आपको मिल जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टी पे लोन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो बिल्कुल मिल पाएगा, 90% तक इस प्रॉपर्टी पर लोन आपको मिल सकता है। जी हाँ, एक फ्लोर पर 2 यूनिट हैं तो हम इस प्रॉपर्टी पर LIC से भी लोन आपको करा कर दे सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इसकी एक कंप्लीट विजिट कराऊंगा, दिखाऊंगा कि इस प्रॉपर्टी को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, क्या इसका लेआउट है, किस तरीके से इसमें इंटीरियर वर्क किया गया है। तो वीडियो को एंड तक बनी रहिएगा और अगर आप आज पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो एंड तक ज़रूर बनी रहिए। मुझे उम्मीद है आपका टाइम ख़राब नहीं होगा। हम आपको एक अच्छी वीडियो, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे, अच्छे फ्लैट की विजिट कराएंगे। हो सकता है ये फ्लैट आपके बजट में ना हो, हो सकता है इस तरह का फ्लैट आप सर्च ना कर रहे हों, लेकिन कोई और प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें। चलिए शुरू करते हैं इसकी एक छोटी सी विजिट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका फ्रंट एलिवेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्यारा काम किया गया है फ्रंट एलिवेशन पे। फ्रंट से जो इस बिल्डिंग का व्यू आता है, जो एक लुक आता है, वो बहुत ही प्यारा है क्योंकि टाइल वर्क आपको कंप्लीट मिल जाता है इस पे। अब बात करता हूँ रोड की, फ्रंट साइड की रोड जो आपको मिलती है इसमें 25 फीट की मिलती है, जो आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड रोड है। आपको अपनी कार इन आउट करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। पार्किंग स्पेस आपको मिल जाता है कार पार्किंग के साथ, ये 3 BHK फ्लैट आपको मिलने वाला है। लिफ्ट सेक्शन के साथ आपको मिलने वाला है यानी कि एलिवेटर लिफ्ट भी इस फ्लैट के अंदर लगी हुई है। दोस्तों, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये लिविंग रूम आप देख सकते हैं। अभी मैं सोफे पर बैठकर ये पूरा आपको बता रहा था इस फ्लैट के बारे में। और ये हमने प्रॉपर 4+3 7 सीटर + 2 9 सीटर 9-10 सीटर सोफा प्लेसमेंट की हुई है। एक सेंटर टेबल आपको यहाँ मिल जाती है। बहुत ही खूबसूरती से इस हमने लिविंग रूम को डिज़ाइन किया है और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जितना भी ये आप जो वर्क देख रहे हैं, यहाँ पे फोम कोटिंग वर्क किया गया है, विद कॉपर ग्लास लगाए गए हैं इसको ब्यूटीफुली डिज़ाइन करने के लिए, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और ऊपर भी आप देखेंगे तो सीलिंग डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव रखे गए हैं और साथ में सीलिंग फैन इस प्रॉपर्टी के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। एक सैंडलेयर इस प्रॉपर्टी के अंदर लगाया गया है, आप देख पा रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं, जो आपको ये फ्लैट देखने को मिल रहा है अभी आप देख रहे हैं, ये फुल्ली फर्निश्ड है यानी कि बेड, सोफ़ा, फैन और इसमें सैंडलेयर सब कुछ मिलने वाला है।
लेकिन अगर मैं सेमी फर्निश्ड की बात करूं तो सिर्फ हम इसमें से क्या हटाएंगे, तो हम हटाने वाले हैं सिर्फ सोफा और बेड जो लगे हुए हैं, साथ में फोम कोटिंग का जो वर्क आप देख रहे हैं वो, इसकी जगह आपको मिलेगा फिर हमारे यहाँ पे वॉलपेपर। अब ये देखिए, ये आपको मिल जाता है काफी अच्छे साइज का एलईडी पैनल, जिसमें आप काफी बड़े साइज का एलईडी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में आप देख पा रहे होंगे तो हमने यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए हैं इसको डेकोरेट करने के लिए, तो आप भी अपने अकॉर्डिंगली अपने फ्लैट को डिजाइन कर सकते हैं, उसे डेकोरेट कर सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो स्प्लिट एसी का प्रोविजन यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों साइज आपको देख पा रहे होंगे काफी अच्छा स्पेशियस है और मूव करने की जगह भी इसमें आपको प्रॉपर मिल रही है। यहीं से आप देखेंगे तो ये कॉमन वॉशरूम आपको मिल जाता है। कॉमन वॉशरूम में चाहूंगा एक बार अच्छे से दिखा दिया जाए, और इसके अंदर सारी फिटिंग्स हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी है, टाइल वर्क कंप्लीट हो चुका है, हर तरीके से आपने देखा साइज अच्छा था। और यहां से मैं आपको लेकर चलता हूं हमारी किचन। किचन काफ़ी स्पेशियस है, अच्छे साइज की किचन है, जिसमें एक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसको वुडन पार्टीशन किया गया है, ताकि इसको एक तो लुक वाइज थोड़ा अच्छा किया जा सके, दूसरा लिविंग रूम से इसको सेपरेट किया जा सके। अब देखिए काफ़ी अच्छी डेप्थ के साथ, काफ़ी विड्थ के साथ ये किचन आपको मिलती है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो किचन सॉकेट मिल जाते हैं, यहाँ आप अपना रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज इंस्टॉल कर सकते हैं। सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉशिंग एरिया मिल जाता है, बर्तन साफ करने की जगह मिल जाती है, सिंक इंस्टॉल की गई है, एक काफ़ी अच्छी विंडो यहाँ पर मिल जाती है ताकि वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना रहे, और एक चिमनी इंस्टॉल कर दी गई है जहाँ पर आप अपना हॉब रखेंगे और खाना बनाएंगे यहाँ पे। तो इसमें स्टोरेज की प्रॉब्लम भी आपको नहीं रहेगी, काफ़ी अच्छा स्टोरेज मिल जाता है, और ये जो स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पे आरओ इंस्टॉल कर सकते हैं आप। अब मैं आपको हमारा फर्स्ट बेडरूम दिखाना चाहूँगा। तो चलिए फर्स्ट बेडरूम, काफ़ी अच्छे साइज का ये आपको बेडरूम मिल जाता है, देख पा रहे होंगे काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी जगह है इसमें, 6x6 का अगर बेड इंस्टॉल कर देते हैं उसके बाद भी जगह बचती है। और साथ में आप देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाता है, एक तो सबसे पहले बता दूं वार्डरोब, आपके कपड़े और सामान रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। साथ में आप देखेंगे तो ड्रेसिंग टेबल आपको मिल जाता है रेडी होने के लिए, और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे आप इसे स्टडी टेबल बना सकते हैं, या फिर अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो यहाँ पर आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। एक विंडो मिल जाती है ताकि वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना रहे, ये शाफ्ट दी गई है यहाँ पे, यहाँ पे आप अपनी बुक्स रख सकते हैं या जो भी जिस तरीके से भी आप इसे यूटिलाइज करना चाहें दोस्तों कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा हमारा सेकेंड बेडरूम। अब जो बचे दोनों बेडरूम हैं वो बालकनी के साथ अटैच हैं। तो चलिए सेकंड बेडरूम मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जो कि बालकनी के साथ अटैच है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर ये फ्लैट आपको अच्छा लग रहा है, हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो फिर एक लाइक तो जरूर कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए किस तरह की प्रॉपर्टी आप सर्च कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको क्या प्लस लगा क्या माइनस लगा, ताकि हम आने वाले टाइम में इंप्रूव कर सकें अपने काम को, अपने वीडियोस को, अपने फ्लैट्स को। दोस्तों अभी आप देखिए यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल जाती है, सामान रखने का स्पेस आपको मिल जाता है, साथ में आप ये देख रहे हैं यहाँ पे फोम कोटिंग वर्क किया है, प्रॉपर एक वॉल को डिज़ाइन किया गया है और एक बेड इंस्टॉल किया गया है। ये फुल्ली फर्निश्ड अगर आप फ्लैट लेते हैं तभी आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको वॉलपेपर हम लगा कर देंगे, सेमी फर्निश्ड अगर आप लेते हैं। दोस्तों सामने एक एलईडी पैनल आपको मिल जाता है, वाइट और ग्रे की माइका यहाँ पर यूज़ की गई है। और ये देखिए मैं आपको बता रहा था कि क्योंकि ये बालकनी के साथ अटैच है तो ये प्रॉपर आपको काफ़ी बड़े साइज़ की बालकनी मिल जाती है यहाँ पर। और फ्रंट एलिवेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि टाइल वर्क प्रॉपर किया गया है, 2x4 की हाई ग्लॉस विट्रीफाइड टाइल्स लगाए गए हैं, स्पेसर और इपॉक्सी भर के आप देख पा रहे होंगे यहाँ से। ये जो विंडो आप देख रहे हैं ये वही विंडो है जो किचन से आपको जोड़ रही थी, किचन के साथ लगी हुई है, और ये जो विंडो है ये सेकेंड बेडरूम की विंडो है दोस्तों, अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको लास्ट बेडरूम दिखाता हूँ अपना, और ये लास्ट बेडरूम थर्ड बेडरूम आपको मिल जाता है हमारा मास्टर बेडरूम अटैच वॉशरूम के साथ। ये देखिए इसमें एक अलग तरह का काम आपको देखने को मिलेगा, एक फील आएगा कि हाँ मास्टर बेडरूम है, जिसमें आप देखेंगे तो दोनों तरफ वार्डरोब मिल जाती है। इसको इस तरीके से यू शेप में डिज़ाइन किया गया है और बीच में आप देखेंगे फोम कोटिंग का वर्क किया गया है यहाँ पर, और ये बेड मिल जाता है 6x6 यानी कि 6 फिट × 6 फिट का एक किंग साइज बेड यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। सामने एलईडी पैनल इंस्टॉल किया गया है वाइट और ग्रे कलर की माइका के साथ। तो दोनों ही बेडरूम में टीवी पैनल मिल जाता है, लिविंग रूम के अंदर भी आपको टीवी पैनल मिल जाता है, और ये वॉशरूम मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कि अटैच है इस बेडरूम के साथ। दोस्तों इस प्रॉपर्टी के अंदर जो टाइल्स यूज की गई हैं, 2 कलर की फ्लोरिंग टाइल यूज की गई हैं, रूम्स के अंदर अलग यूज की गई हैं, और जो आप देखेंगे जो लिविंग रूम है इसके अंदर अलग तरह की टाइल यूज की गई है, ताकि इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया जा सके। दोस्तों ये प्रॉपर्टी आपको अच्छी लगी होगी तो जहाँ से शुरुआत की थी वहीं आकर हम बैठ गए हैं उसी सोफे पर, और मैं चाहूँगा कि अगर ये फ्लैट आपको अच्छा लगा है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हमारे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा है,
और कुछ भी इस वीडियो में आपको प्लस लगा है तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, हो सकता है आपके आसपास इस तरह की प्रॉपर्टी कोई सर्च कर रहा हो। और हमें आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, बुकिंग करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपका कॉल पिक करेंगे और आपको बताएंगे कि आप विजिट पे कब आ सकते हैं। दोस्तों चलिए फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। हाँ, प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने इसका प्राइस मेंशन कर दिया है, फुल्ली फर्निश्ड और सेमी फर्निश्ड दोनों प्राइस डाल दिए हैं। दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, नई उमंग, नई एनर्जी, नई जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।